हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों की बेतहाशा रिक्वेस्ट के बाद मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ ब्लू हेवन की न्यू लॉन्च लिपस्टिक। ये हैं कलर फन क्रीमी मैट लिपस्टिक। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट जंप इनटू दिस वीडियो। सो सबसे पहले मैं यहाँ डाल दूंगी स्वॉचेस एंड देन वील टॉक अबाउट द फॉर्मूला एंड एवरीथिंग। ऑल्सो अगर आप इंटरेस्टेड हो इन दिस मेकअप लुक, तो अगर ये वीडियो जा चुका होगा तो मैं यहाँ लिंक कर दूंगी, और अगर नहीं गया होगा तो इट इज़ कमिंग वेरी 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 सून। सो या ओके, सो ये जो शेड मैंने अभी अपने लिप्स पे लगाया हुआ है, ये है शेड नंबर 505। एक ब्यूटीफुल सा ऑरेंजी कलर है ये। आई लव दिस कलर, इट इज़ वेरी वेरी वाइब्रेंट। ऐसे इन टू द आईज वाला ऑरेंज कलर नहीं, इट इज़ वेरी 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 वेयरेबल। टोटली लव इट। सो जो नेक्स्ट शेड है, ये है शेड नंबर 501। ये एक पिंकी रेड कलर है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स ऑन मी। ऑलराइट, सो जो नेक्स्ट शेड मेरे लिप्स पे है, दिस इज शेड नंबर 502। ये एक कह सकते हो आप मजेंटा से डार्क कलर है। आई डोंट नो कि कैमरा करेक्ट कलर पिक कर पा रहा है कि नहीं, बट इट इज़ सर्टेनली अ पिंकी रेड कलर, बट अ डीपर पिंकी रेड कलर। आप कह सकते हो थोड़ा सा मजेंटा अंडरटोन है इसकी, एंड आई थिंक ये कलर जो है सारे स्किन टोन्स पे काफ़ी अच्छा लगेगा। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट शेड दैट आई हैव इज़ 503, विच इज़ अ प्रॉपर पिंक कलर। सो आप लोगों को लग रहा होगा कि 502 503 काफ़ी सिमिलर है, बट एक्चुअली नो, दे आर प्रिटी डिफरेंट। सो दिस इज़ 502, विच इज़ अ वेरी डार्क पिंकी रेड कलर, एंड दिस इज़ 503, विच इज़ प्रॉपर पिंक कलर। काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। सो द नेक्स्ट शेड इज 504, विच इज़ ए पर्पली वाइन कलर। सो दैट्स द स्वॉच। ओके, सो दिस इज शेड नंबर 504, एंड एज यू कैन सी इट्स अ वेरी डीप पर्पली वाइन काइंड ऑफ अ कलर, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स ऑन मी। इट्स अ कलर दैट विल लुक अमेजिंग ऑन ऑल स्किन टाइप्स। सो द नेक्स्ट शेड दैट आई हैव इज 506। ये एक प्रॉपर मजेंटा कलर है, एंड दिस इज द स्वॉच ऑफ इट। सो एक प्रॉपर पिंकी मजेंटा कलर, नो रेड अंडरटोन, नथिंग, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स ऑन मी। ओके, सो दिस इज़ नॉट द बेस्ट स्वॉच, बट दिस इज़ द नेक्स्ट कलर, दिस इज़ 507, एंड आउट ऑफ ऑल ये मेरा फेवरेट कलर है। ये एक मॉविश अंडरटोन वाला कलर है, सो मीडियम टू डीप स्किन टोन के लिए ये एक परफेक्ट न्यूट कलर रहेगा, बट फॉर फेयर टू मीडियम स्किन टोन दिस विल लुक एज अ मॉव कलर, जस्ट एज इट इज़ लुकिंग राइट नाउ। बट एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही ब्यूटिफुल न्यूट शेड है ये, एंड दिस इज़ हाउ द स्वॉच ऑफ इट लुक्स लाइक। Alright, so the next shade is this. ये है shade number 508, and it is a proper red color. So this is the hand swatch of it, and this is how it looks on me. So the next shade is 509, and this is how it looks like. Again, एक orangey red color है ये, and I don't see a lot of difference between 505 and 509, except that this is more towards red and that is more towards orange. तो दिस इज़ द नेक्स्ट शेड, विच इज़ 511। ये एक पिंक कलर है, बट इसमें पर्पल मिक्सड है। यू कैन से कि पिंक और पर्पल का जो शेड है, इसमें अलग अलग उनको मिक्स करके ये शेड बना दिया गया है, एंड दिस वन इज़ द स्वॉच ऑफ इट। सो एज यू कैन सी, दिस इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस पिंक, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स ऑन मी। एंड दिस इज़ द लास्ट शेड, दिस इज़ 512, जो कि मैंने अपने दुर्गा पूजा लुक में भी पहना था। इट्स अ डीप 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 मरून कलर, एंड दिस इज़ द स्वॉच ऑफ इट, दिस वन राइट हियर। ऑलराइट, सो दोज वर ऑल द स्वॉचेज। आई डिड मेक अ मिस्टेक, मुझे रिव्यू पहले करना चाहिए था, स्वॉचेज बाद में, बिकॉज माई माउथ इज़ ऑल सोल्ड इन एंड थोड़ा सा डार्क हो रहा है, बट इग्नोर दैट, लेट्स मूव ऑन टू द रिव्यू। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं पैकेजिंग की। आई रियली लाइक द पैकेजिंग, मैट पैकेजिंग है। एक आपको ये सी थ्रू ग्लास यहाँ पर मिल रहा है, जिसमें से आप देख सकते हो कलर कौन सा है। हाउएवर थोड़े दिन के बाद आपको वो नहीं दिखेगा, एंड देन यू गेट योर बुलेट। इसका जो बुलेट है वो एक स्लैंट कट है, विच आई रियली लाइक, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं इससे ओवरलाइन बहुत आसानी से कर लेती हूँ, बट आई नो अ लॉट ऑफ यू गाइज माइट नॉट लाइक दिस, बट आई रियली लाइक स्लैंट कट्स। 12 शेड्स में अवेलेबल हैं ये, एंड द प्राइस ऑफ ईच ऑफ दीज इज 125 रुपीज़, विच इज़ आई थिंक वेरी 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 अफोर्डेबल। इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। इट इज़ नॉट मैट, इट्स अ क्रीमी मैट फॉर्मूला, बट ध्यान रखिएगा जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करें तो अपने हाथ पे थोड़ा सा वार्म अप कर ले, एंड देन आप इसको यूज़ करिए, बिकॉज यू नो ऊपर वाली जो लेयर होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, तो हो सकता है कि आपको लगाने में प्रॉब्लम हो, बट आफ्टर दैट लेयर इज़ गॉन, इट इज़ सो स्मूथ एंड सो क्रीमी टू अप्लाई। बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करती है ये लिप्स को, बिकॉज इट इज़ क्रीमी मैट, वो मॉइस्चराइजेशन हमेशा रहता है, बट ऐसा नहीं है कि एक्सेस में क्रीम, सो आपको मॉइस्चराइजेशन मिलता रहेगा, बट एट द सेम टाइम जो इसकी फिनिश है वो कम्प्लीटली मैट है।
दे डू ट्रांसफर बिकॉज बुलेट लिपस्टिक है एंड दे डू नॉट क्लेम ये 100% मैट है या 90% मैट है. यू कैन से कि ये 70% मैट है एंड 30% क्रीमी है एंड हैंस दे विल ट्रांसफर. अगर इनकी लॉन्जिटिविटी की बात करें तो ये आपके लिप्स पे बिना कुछ खाए पिए 3 से 4 घंटे तक आराम से टिकी रहेगी. बट अगर आप कुछ ऑयली फूड खाते हो तो ये बिल्कुल निकल जाएगी. बट आपके लिप्स को ये स्टेन करती है सो आपके लिप्स पे हल्का सा वो एक स्टेन रह जाएगा विच विल लाइक अगर आप चाहो तो रीएप्लीकेशन स्किप भी कर सकते हो बिकॉज यू हैव दैट स्टेन गोइंग ऑन योर लिप्स. तो वियर्ड नहीं लगता क्योंकि लिप्स जो हैं कम्प्लीटली एक जैसे जो होते हैं वो स्टेन हो जाते हैं. बट अगर आपको वो अच्छा नहीं लगता देन प्रॉबेबली यू वुड लाइक टू स्किप दीज बिकॉज दीज डू स्टेन द लिप्स लाइक एनीथिंग. आई वॉज लाइक वट इज़ हैपनिंग दे स्टेन सो मच. ओवरऑल आई वुड से दे आर अ प्रिटी गुड बाय. अगर 125 rupees में अगर आप कोई अच्छी सी लिपस्टिक देख रहे हैं आई वुड हाईली रिकमेंड दीज फॉर यू बिकॉज दे आर वेरी 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 कम्फर्टेबल ऑन द लिप्स. दे आर क्रीमी, दे आर मैट एंड दे आर जस्ट 125 rupees एंड दे आर फ्रॉम द हाउस ऑफ ब्लू हेवन. सो आई थिंक एवरीथिंग गुड अबाउट इट एक्सेप्ट कि आपके लिप्स को स्टेन करती है. सो या दैट वॉज अ मिनी रिव्यू कम स्वॉचेज ऑफ द ब्लू हेवन कलर फन लिपस्टिक. आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा एंड इफ यू लाइक इट डू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप. सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी. शेयर this video with your friends and I will come up with more such videos. Till then, take care. Bye.